नमस्कार, धर्म ज्ञान की खास पेशकश मासिक राशिफल 2022 में हमेशा की तरह आपका स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य महेश शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो अप्रैल का ये महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, इस महीने किस तरह आपके भाग्य के सितारे बदलेंगे और आपको सुकून भरी जिंदगी देंगे, क्या कुछ इस माह से आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है, आपका भाग्य कितना साथ देगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, काम कारोबार कैसा चलेगा, करियर में कितनी ऊंचाइयां छूओगे, और इसके साथ साथ आपका आर्थिक पक्ष यानी कि धन धान्य के मामले में भी ये माह आप लोगों के लिए कितना भाग्यशाली साबित हो सकता है, तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। आइए सबसे पहले महेश शर्मा जी से ये जान लेते हैं इस महीने आपके ग्रह नक्षत्रों की बदलती स्थिति किस ओर इशारा कर रही है। बिल्कुल, देखिए ये बताएं आपको ग्रह की स्थिति, उससे पहले बता दें मिथुन राशि वालों, ये राशिफल चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है। चंद्रमा का जो मोमेंट होता है उसके हिसाब से हमारी दिनचर्या तय होती है, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करता है, और चंद्रमा हमारे मन का कारक है, यानी कि हमारे मन में परिवर्तन आती है, हमारी सोच में बहुत जल्दी परिवर्तन आता है। तो ये राशिफल चंद्रमा के अकॉर्डिंग देखें, ना कि अपने नाम के अनुसार। चलिए आते हैं आपकी ग्रह स्थिति पर। मिथुन राशि वालों, अप्रैल का महीना है और अप्रैल के महीने का इंतजार जो है मिथुन राशि वालों को काफी लंबे समय से था, क्योंकि बहुत से लोग मुझे फोन करते हैं मिथुन राशि वाले, कविता जी वो कहते हैं कि सर अच्छे दिन कब आएंगे, अब तो बता दीजिए कब शनि और राहु हमारा पीछा छोड़ेंगे। तो पिछले वक्त से भैया से भी परेशान थे, तो फिर उनको बताया मैंने कि अप्रैल का महीना आपके लिए एक नई सौगात लेके आ रहा है, कम से कम सेकेंड हाफ में अप्रैल से आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। वो कैसे आप सब भी जान लीजिए, आपके पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे, चौथे, पांचवें भाव में कोई ग्रह नहीं है, छठे भाव में केतु बैठा है जो कि 12 अप्रैल को हटकर यहाँ से पंचम भाव में आ जाएगा, तो बड़ी राहत मिलेगी। सप्तम भाव खाली है, अष्टम भाव में शनि और मंगल है, नवम भाव में आपके गुरु और शुक्र बैठे हैं, बहुत अच्छा योग है, दशम में सूर्य, चंद्र और बुध है, ग्यारहवा खाली, बारहवें में राहु। अब देखिए आपको शनि की ढैया का भी बुरा प्रभाव काफी समय से चल रहा था, लोग बड़े कहना चाहिए खुश नहीं थे, परेशानी में चल रहे थे, मिथुन राशि वाले कह रहे थे पैसा तो आ रहा है पर सब व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है। तो शनि यहाँ से हटके जैसे ही यहाँ आएंगे तो आपके भाग्य के सितारे चमका देंगे, लेकिन वो एंड में होगा 29 अप्रैल के बाद से। दूसरा परिवर्तन, गुरु का राशि परिवर्तन होगा, गुरु भाग्य स्थान से कर्म स्थान में आ रहे हैं, ये 15 अप्रैल के आसपास होगा, तो ये आपके लिए बड़ा शुभ परिवर्तन रहेगा, आपका भाग्य, कर्म और कहना चाहिए सुख साधन सब के सब बढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक अच्छे समय की शुरुआत हम कह रहे हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए इस मास से होगी। चलिए मैं जी, ये तो आपने बता दें कि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में हमने बात की, और अब बारी आ जाती है आपकी सेहत को लेकर जानने की। देखिए सेहत जो है इस महीने इनकी काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि मंगल जो है आपका कुंडली में उच्च का होकर बैठा है, और मिथुन राशि वालों को अगर कोई ग्रह बीमार करता है देता है तो मंगल ही देता है, क्योंकि ये छठेश है, अष्टम भाव में बैठे हैं, उच्च के होके बहुत ही शुभ योग है, सेहत अच्छी रहेगी, कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, क्रोध की अधिकता से बचना होगा। जिन लोगों को माइग्रेन या हाई बीपी की दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, उन लोगों की समस्या थोड़ी सी बढ़ सकती है, तो वो लोग खान पान पर थोड़ा संयम बरतेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी तो शनि का परिवर्तन अब तकरीबन होने वाला है, तो इसलिए ढैया का कोई खास प्रभाव आपको इस महीने में देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं अब करियर को लेकर, आपके स्वामी ग्रह के आधार पर आपके लिए करियर का कौन सा क्षेत्र सबसे अच्छा है, जहाँ बहुत अच्छा कर सकते हैं, मैं जी बताएं। देखिए मिथुन राशि वालों के पंचम भाव के स्वामी शुक्र होते हैं, मैं तो कहता हूँ कि मिथुन राशि वाले बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, मैंने देखा है इनकी वाणी में ना सरस्वती है, कि जो ये कहते हैं वो सच होता है, ये इनको गॉड गिफ्टेड चीज है बुध और बृहस्पति की वजह से। और अगर आपकी कुंडली में बुध और बृहस्पति बलवान है, मिथुन राशि वालों जिस समय आपका जन्म हुआ है, अपनी कुंडली देखी है, किसी को दिखवाइए, अगर बुध और बृहस्पति बलवान हो गए और शुक्र भी बलवान हो गए तो आपकी कुंडली में अखंड साम्राज्य योग बनता है, यानी कि आप कभी भी जीवन में हार नहीं मानेंगे या कभी भी आपको असफलता नहीं हासिल होती है जी। इसलिए और आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, ये लोग मैंने देखा है कि अगर एस्ट्रोलॉजी या धर्म गुरु प्रोफेशन चुने तो ये बहुत जल्दी कामयाब होते हैं और उनकी बातें भी सच निकलती हैं। तीसरी बात क्या है कि आप मैनेजमेंट में माहिर हैं, होटल मैनेजमेंट जाएं, एचआर, एमबीए करें तो बहुत अच्छा है, हॉस्पिटैलिटी आपके लिए बहुत अच्छी फील्ड रहेगी। आप ग्राफिक्स डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, फैशन ब्यूटी में जाना चाहते हैं, अपना सैलून खोलना चाहते हैं, गारमेंट्स का काम करना चाहते हैं, बुटीक का काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। और अगर ऐसे लोगों की कुंडली में मंगल और शनि अगर बलवान हो जाए तो फिर ये सॉफ्टवेयर लाइन में भी जाते हैं,
तो कुल मिलाकर कहना चाहिए कि ये प्रोफेशन इनके लिए बहुत ही शुभ माने गए। चलिए बात करते हैं विद्यार्थियों को लेकर, जो मिथुन राशि वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अप्रैल का ये महीना कैसा रहने वाला है, आपके हाई स्टडीज को लेकर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर, आपके करियर को लेकर। देखिए अप्रैल का महीना ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। छात्रों के लिए घरों का परिवर्तन हो रहा है तो भाग्य भी इनका साथ देगा। सपोज अगर आप काफ़ी समय से परेशान चल रहे हैं कि मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है, मेरे को किसी टेस्ट में क्लियरेंस नहीं मिल रही है, या मेरा कोई इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा था, परीक्षा में आप ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, मार्क्स नहीं अच्छे आए हैं, तो अब ये सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। उसी छात्रों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन समय है, बस आपको मेहनत उतनी ही करनी है जैसे पहली आपने की है अब तक, लेकिन सफलता अब निश्चित रूप से बड़ी मिलेगी। विदेश जाकर नौकरी करना है, पढ़ना है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था, तो वो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जो छात्र इस समय कविता जी पढ़ाई कंप्लीट करने वाले हैं अप्रैल महीने में या आने वाले महीने में, तो उनको एक अच्छी नौकरी लगने का योग भी विदेश में बन रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है मिथुन राशि वालों, राहत भरी खबर है। चलिए बात करते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। जी हाँ, आप नौकरी कर रहे हैं या अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ आपके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, अगर आप परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, नौकरी से निकलकर अब अपना खुद का बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो ये वक्त एक नए परिवर्तन के लिए सही है या नहीं ये भी जानते हैं। बिल्कुल, देखिए मिथुन राशि वालों, मैं तो कह रहा हूँ कि इसी महीने अगर कोई मौका मिलता है तो बिल्कुल परिवर्तन कीजिए। क्यों बेहतर रहेगा, क्यों अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, वो आप लॉजिकली समझिए। देखिए इस महीने क्या है कि शनि की ढैया जो आपकी चल रही है वो हट जाएगी, हालांकि एंड में हटेगी, लेकिन शनि के अशुभ फल मिलने वो अभी से ही कम हो गए हैं। शनि कहते हैं ना, जब शनि जब डिग्री चेंज करता है कविता जी, तो अगले भाव का फल देना शुरू कर देता है। तो शनि ने अप्रैल मास लगते ही नवे भाव का फल देना शुरू कर दिया है। इस भाव में सिर्फ एक औपचारिकता रह गई है, शनि यहाँ बैठे हैं, तो नवम भाव का फल मिलना शुरू हो रहा है आपको। जैसे जैसे शनि, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे आगे अप्रैल के, 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, तो शनि का जो प्रभाव है अष्टम भाव का कम होता चला जाएगा। शनि जाते जाते अच्छा ही देखे जाए, अच्छा ही हो सकता है कि अचानक से इस महीने आपको कोई बड़ा ब्रेक मिले, कोई बड़ा अच्छा काम मिल जाए। जो लोग बेरोजगार बैठे हैं उनको अच्छी नौकरी मिल जाए, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको कोई नई नौकरी मिल जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, या अगर कार्यस्थल पर आपको कोई भी परेशानी थी तो वो अचानक से दूर हो सकती है और आपको बड़ा लाभ मिलेगा, परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी ये योग बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, धन लाभ होगा, काम कारोबार में तरक्की होगी, और गुरु का राशि परिवर्तन जो है वो आपके सुख साधन भी बढ़ा रहा है। कुछ सुख साधन बढ़ाना चाहते हैं तो अच्छा समय है। राहु केतु चेंज होंगे तो ये भी आपके खर्चों में कमी ही करेंगे, तो ये एक अच्छा साइन है। चलिए तो मैं ये तो हमने आपसे जान लिया कि आखिरकार इनका प्रोफेशनल लाइफ कैसे रहने वाली है अप्रैल के महीने से। अब बारी आती है आपके आर्थिक पक्ष को जानने की, यानी कि धन धान्य के मामले में धन लाभ कितना होने वाला है इस महीने से, या फिर यूँ कहें कि इस महीने से आपके धन के भंडार कितने भरने वाले हैं। देखिए मिथुन राशि वाले जो हैं, बहुत ध्यान से ये बात सुन लें कि धन लाभ के योग बहुत ही ज़बरदस्त बन रहे हैं, क्योंकि मिथुन राशि वालों की तादाद मेरे पास बहुत ज़्यादा है, जो फ़ोन करके मेरे को पूछते हैं सर हमारे कब अच्छे दिन आएंगे, कब किस्मत चमकेगी, तो उनको मैं सभी अपने दर्शकों को यहीं से संदेश देना चाहता हूँ कि वो वीडियो ध्यान से सुन लें। उनको धन लाभ की प्राप्ति अब होने वाली है, क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन होगा, ये भाग्य स्थान में शनि है, भाग्य के द्वारा नए काम की शुरुआत होगी, सुख साधन बढ़ेंगे, मकान वाहन का योग बनेगा, और यहाँ पर शनि आपको उच्च कोटि की सफलता भी देंगे। कुल मिलाकर अगर आपकी नौकरी है तो नौकरी में तरक्की होगी, आप खुद का व्यापार करते हैं तो वहाँ भी अब आपका धन संचय होगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो कुल मिलाकर ये धन लाभ के लिए देखें और मनी सेविंग के लिए देखें तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा। मैं जैसे मैं जानना चाहूंगी इन लोगों का भाग्य इनके कार्यों में कितना साथ देने वाला है। देखिए अभी तक भाग्य स्थान का स्वामी भी इनका शनि ही है और आयु का स्वामी भी शनि है। शनि अष्टम में थे तो दीर्घायु योग था लेकिन भाग्य कमजोर था। अब शनि जब भाग्य स्थान में आ जाएंगे तो भाग्य को पूरा मजबूत कर देंगे। भाग्य अब आप ये मानिए कि जो ग्रह स्थिति के अनुसार से 90% भाग्य अब आपका ओवरऑल साथ देना शुरू कर देगा, क्योंकि शनि के बारे में ये कहा गया है कि शनि जब भाग्य स्थान में या कर्म स्थान में आता है या लाभ में आता है जब तक उस भाव में रहता है तब तक आपके उन शुभ भावों को बढ़ा देता है। तो यानी कि भाग्य अब आपका साथ देगा और भाग्य के बल पे काफी कुछ आप उपलब्धियां भी हासिल करेंगे। जाते जाते क्या कुछ उपाय? देखिए उपाय इनको इस महीने या हमेशा से मिथुन राशि वाले ये कुछ उपाय कर लें तो कभी मार नहीं खाएंगे, कभी परेशानी में नहीं आएंगे। एक तो आप डेली नियम बनाएं कि मुझे सुबह नहाने के बाद गणेश जी की आरती करनी है, दूसरा हनुमान चालीसा हमेशा करनी है, क्योंकि आपके ऊपर अगर किसी भी ग्रह का बुरा प्रभाव आता है
तो संकट मोचक बजरंग बली ही आपको उस कष्ट से बाहर निकालते हैं, वो अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा क्या करना है कि हल्दी या केसर या कुछ ना मिले सफेद चंदन, इनका तिलक रोजाना माथे पे लगाएं तो आपको निश्चित रूप से शुभ फल मिलेंगे और कोई बड़ी परेशानी नहीं रहती है। चलिए, तो ये थे हमारे समय क्षमा जी, जिनसे हमने जाना कि अप्रैल का ये महीना मिथुन राशि वालों के लिए किस प्रकार से अच्छे दिनों की शुरुआत लेकर आ रहा है। इसी के साथ मुझे और समय क्षमा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।